दिमाग खराब, इसको पता नहीं चला कि मेरी साड़ी बची हुई है। श्री आइए मैम, आपको शर्म नहीं आती है? आप भी एक लड़की हो, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप हंस रहे हो। मेरी साड़ी वो क्या बोला खींच के लेके चला गया, और अब मैं ऐसे कपड़ों में सड़क पे खड़ी हूँ। नहीं नहीं मैम, मैं हंस नहीं रही, बस आप ऐसी हालत में जा कहाँ रही हैं? सब तुमको क्या पता, तुम ये बताओ कि तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे लड़की हो तुम, तुम्हारे साथ अगर ऐसा कोई होगा और तुम्हारे ऊपर कोई हंस रहा होगा तो। अरे सॉरी मैम, मेरी हंसी निकल गई। वैसे आप बताइए ना, आप जा कहाँ रहे हैं? वो मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, उसके लिए स्पेशली मैंने साड़ी खरीदी, क्योंकि इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और अब मेरे को शॉर्ट्स और इसमें जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे को ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आपको ऐसे शॉर्ट्स में जाना नहीं पड़ेगा, मेरे पास एक सूट है, अगर आप देखिए अगर आपके काम आ जाते तो आप पहन लीजिए। सच्ची में? हाँ प्लीज, आप ना बहुत हेल्पफुल रहोगे, प्लीज ये सूट मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपको धोके दे दूंगी। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच, आपको पता नहीं है कि आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रही है, मेरे को इस जॉब की बहुत जरूरत है, बहुत टाइम से मेरे को जॉब नहीं मिल रही, और बस एक बार ये जॉब मिल जाए। हो गया, फिटिंग भी आ गई इसकी, तो शायद ये आपके ही नसीब का था। थैंक यू सो मच मैम, और आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया। वो गाड़ी वाला पागल ही है, उसको दिखा नहीं क्या कि मेरी साड़ी फंसी हुई है, और मैं चिल्ला भी रही थी, उसने सुना ही नहीं, और आप हंसने लग गए तो मुझे लगा कि आप मेरा मजाक बना रही है। कोई बात नहीं, आपके साथ ये इंसिडेंट गलती से हुआ, और मेरे साथ वो बस हंसी निकल गई, और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वैसे आप इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रही हैं? यहाँ पास में जेबी फाउंडेशन है ना, वहीं पर। ओ चलिए, मैं भी उसी साइड जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच मैम, अगर आप आज यहाँ पे नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं इतना घबरा गई थी जो मेरी साड़ी वहाँ चली गई थी, मेरे को लगा था कि अब मेरा क्या होगा, इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे मेरे घर से निकाल दिया जाएगा, मेरे पास पैसों की भी बहुत कमी चल रही है। थैंक यू सो मच मैम। अरे कोई बात नहीं मैम, वो मेरे इंसान। दीदी दीदी, दो दिन से कुछ नहीं खाया, दीदी कुछ दे दो खाने के लिए, मैंने दो दिन से भूखी हूँ, मैं पानी भी नहीं पिया, प्लीज खाने के लिए दे दो। मेरे पास तो पैसे नहीं है। और मैम आपके पास पैसे है, आप दे दीजिए, मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, या तो ऑनलाइन कर देती हूँ या मैं बाद में दे दूंगी आपको। देखती हूँ दीदी, कुछ भी होगा तो दे देना खाने के लिए। थैंक यू मैम, ये लो कुछ खा लेना। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत भला। तुमने पैरों में कुछ पहन नहीं रखा, इतनी गर्मी में तुम सड़क पे चल रहे हो, तुम्हारे पैर नहीं चल रहे? ये आप पहनने की बात कह रहे हो, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, आपने वही दे दिया, वही बहुत है मेरे लिए। अरे इन पैसों से तुम खाना खाओगी या अपने लिए चप्पल लोगी? कोई बात नहीं दीदी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं रुको, तुम ऐसा करो, ये मेरी चप्पल है, ये तुम पहन लो। अरे दीदी नहीं, मुझे चप्पलों की जरूरत नहीं है दीदी, मत दो मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हमें तो आदत होती ना, हम गरीब लोग हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी पास में ही जाना है, और अंदर ऑफिस में चली जाऊंगी, तुम तो सड़क पे घूमते हो, इतनी गर्मी है और पत्थर है, कितना चुपता हुआ तुम्हें, तुम ये पहन लो। शुक्रिया दीदी, कितने अच्छे चप्पल है, शुक्रिया दीदी। और सुनो कोई ना काम ढूंढ लो, पूरी जिंदगी भीख मांग मांग के कैसे काटोगे? अरे आपने अपनी चप्पल उस भिखारन को दे दी, और आप पूरे दिन इस तरीके से नंगे पैर रहने वाले हो? अरे नहीं पूरे दिन का, अभी वहां ऑफिस जाऊंगी, वहां पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, फिर घर जाऊंगी, घर पे एक जोड़ी चप्पल और तो है ही, और वैसे भी उसको ज्यादा जरूरत थी, और मेरा क्या है, मुझे अगर जॉब मिल गई तो मैं और ले लूंगी। हाँ ठीक है ना, आ रहा हूँ जल्दी, क्यों टेंशन ले रही है? अबे अंधी है क्या, तेरे को दिखता नहीं है, एक आगे से मर्द आ रहा है और उस पे टकरा रही है तू। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया था, मैं बात करने में बिजी थी। ऐसा नहीं है तो कैसा है, तुम लड़कियों को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ, जहाँ जिम वाले बंदे देखे नहीं वहीं लाइन मारनी स्टार्ट कर दी। स्टूपिड कहीं के। अरे सर। हाँ। इंसान था। अरे छोड़िए हम चलते हैं। एक मिनट, ये पर्स कहीं उसका तो नहीं? वाह
इसमें तो इतने सारे पैसे हैं और कार्ड्स भी हैं। आपकी तो किस्मत चमक गई, रख लीजिए आपके काम आएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे रख सकती हूँ, ये तो उस आदमी का है ना और उसकी मेहनत की कमाई है, मैं किसी की मेहनत की कमाई ऐसे थोड़ी ले सकती हूँ। अरे मैम रख लीजिए, आजकल कहाँ ईमानदारी और कहाँ उस चक्करों में पड़ रही हैं। इतने सारे पैसे हैं, आपकी किस्मत चमक जाएगी, अभी आपके पास नौकरी भी नहीं है, रख लीजिए आपके बहुत काम आएंगे। नहीं मैम आपने सही कहा, आजकल इंसानियत बची कहाँ है, तो जो हम जैसे कुछ लोग हैं उनको तो इंसानियत जिंदा रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो ये देश को खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं किसी और के हक के पैसे ऐसे नहीं ले सकती, मुझे रातों को नींद ही नहीं आएगी कि मैंने किसी और के पैसे चोरी कर लिए, मैं दे ही देती हूँ उनको। सर सर एक मिनट, मैं तुझे अभी कॉल करता हूँ। क्या है, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? नहीं सर, वो आपका पर्स। पर्स चोरनी, तूने मेरा पर्स चुरा लिया? अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, वो अभी हम टकराए थे तो आपका पर्स गिर गया था, तो आपको तो आपका पर्स देने ही आ रही थी मैं। ऐसा है ना, ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पहले तो पर्स चुरा लेती हो फिर सोचती हो कि इसको बुला के इनको पर्स वापस दे देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, यही है ना तुम्हारा काम? देखिए सर ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी सारी चीजें पूरी हैं उसमें। और अगर हमें पर्स चुराना ही होता तो आपको आगे क्यों वापस देते? पैसे तो पूरे हैं। सॉरी ये मेरा रूड बिहेवियर के लिए, बाकी आपने मेरी हेल्प करी ना उसके लिए ये कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं सर, मैंने जो भी किया इंसानियत के खातिर किया, अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो इंसानियत कहाँ ही रहेगी, ये तो लालच हो गया। अच्छा मुझे नहीं पता था आज के टाइम पे भी लोगों के पास इंसानियत बाकी है, वरना तो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। अच्छा लगा आपसे मिलके, और उस बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर। अरे पैसे क्यों नहीं लिए, जब दे रहा था तो ले लेती ना, काम आते तुम्हारे। मैंने आपको बताया था ना मैम कि मैं इंसानियत के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, अगर अभी मैं पैसे ले लेती फिर वो तो लालच होता ना, फिर वो तो ऐसा ही लगता कि मैंने उसको पर्स सिर्फ इसलिए ही वापस किया ताकि वो मुझे कुछ पैसे दे, और भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, मैं खुद पैसे कमा ही लूँगी, किसी और के पैसे लेके मुझे क्या ही मिलेगा। चलिए काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, और बहुत कम इंसान होते हैं ऐसे जो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं अपने बारे में बाद में। मैम अब आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, बातों बातों में तुम्हारा ऑफिस आ गया। हाँ थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे सूट दिया, और आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको ये सूट धोके वापस कर दूंगी और वो पैसे भी भिजवा दूंगी। इट्स ओके, जब तुम इतने लोगों की मदद कर सकते हो तो शायद ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी हेल्प है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू, मिलकर अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। थैंक यू मैम। ओके बाय बाय। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मेरा नाम चेतना है, मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम इंटरव्यू के लिए, और ये कैसी हालत बना रखी है? वो एक्चुअली सर यहाँ पर आते हुए मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, मैंने जो साड़ी पहनी हुई थी वो खराब हो गई, वहां पर तो एक भली मैम थी जिन्होंने अपना सूट दे दिया तो मैं यही पहन आई, और मेरे पास सर टाइम भी नहीं था कि मैं घर वापस जाती और कपड़े बदलती, मैं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत लेट थी इसीलिए इसमें ही आ गई। तुम्हारे पैर में तो ना जूते है ना चप्पल। वो सर मेरे पास एक भिखारी आई थी और उसने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वो तो पूरा दिन धूप में ही घूमती रहती है, तो मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया और उसके पैर भी जल रहे थे, तो मैंने जो सैंडल पहने थे वो उसको उतार के दे दिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा इस हालत में सिलेक्शन हो जाएगा? सर वो तो मेरे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप एक बार मेरी क्वालिफिकेशंस देखिए। नाइस कॉन्फिडेंस, वेल तुम्हारा इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। क्या मतलब, किसने लिया? सर आपकी कंपनी में तो मैं अभी अभी आई हूँ। रूबी इनसे मिलो, ये इस कंपनी की ओनर मिस रूबी पांडे। क्या मैम आप इस कंपनी की ओनर है? यस, हर रास्ते में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सारा हमारे इंटरव्यू का पार्ट था। इंटरव्यू हुआ, मैं कुछ समझी नहीं। मैम एक्चुअली हमारी फाउंडेशन में एक ईमानदार और नेक दिल इंसान की जरूरत होती है, बहुत से लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए लेकिन उनके अंदर पैसों को लेकर बहुत घपला होता है और वो पैसों की हेरा फेरी करते हैं, तो आपके अंदर वो ईमानदारी देखनी थी और इंटरव्यू का इससे अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता, और आपकी ईमानदारी देख के तो मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर। आपने
दूसरे के पर्स को खोल के देखा तक नहीं, और किसी और के पैसे आपने उसको वैसे ही वापस कर दिए। पर ना आजकल के टाइम में फोन ऐसा करता है, जिसको पैसे मिल जाते हैं वो तो उठा के अपनी जेब में रख लेता है ना, उसको तो लगता ही नहीं कि वो किसी और की मेहनत की कमाई होगी, उसे लगता है कि इसको मिला तो वो उसी की नसीब का हो गया। और हमारी कंपनी के नंबर वन होने का एक और रीजन ये भी है कि जहाँ आजकल हर कोई क्वालिफिकेशन के पीछे भाग रहा है, हम लोग एम्प्लॉयज में क्वालिफिकेशन की जगह काबिलियत देखते हैं, जो आपने बखूबी है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे नहीं पता था कि इंसानियत रखने के बाद इतना कुछ मिल सकता है। आज तक तो मैंने देखा है कि जो इंसान किसी का भला करता है उसका तो हमेशा बुरा ही हुआ है। मैंने आज तक कितने लोगों की मदद करी है, वो इंसान तो शुक्रिया बोल देता है लेकिन आसपास वाले लोग चिढ़ाते हैं, बोलते हैं इधर पास पहले ही कुछ नहीं है, तू क्यों मदद कर रही है, तू अपना देख। सब लोग बस लालची बनना सिखाते हैं। आज पहली बार मेरी ईमानदारी मेरे काम आई है। ऑब्वियसली आती, कि आप एक नेकदिल इंसान हो, आपने अपने चप्पल उस लड़की को दे दिए, ये भी नहीं सोचा कि गर्मी आपको भी लग सकती है, धूप में पैर आपके भी जलेंगे। इतनी इंसानियत किसके अंदर है, कौन दूसरों का भला सोचता है। तो यू आर सिलेक्टेड, कल सर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैम लेकिन मेरा इंटरव्यू, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे डॉक्यूमेंट्स। क्वालिफिकेशन से ऊपर इंसानियत होती है जो कि आपके अंदर है, और मेरे को एक काबिल इंसान ही चाहिए था जिसके अंदर इंसानियत हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, मैं इस कंपनी में दिल लगा के काम करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। थैंक यू।